नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आजकल मैं रेगुलरली YouTube में वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इतना बिजी रहता हूँ, तो इसके कारण आप लोगों से बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ। और मेरे पेशेंट्स में और YouTube के मेरे सब्सक्राइबर में, WhatsApp में भी मेरे पास बहुत बार ये रिक्वेस्ट आ चुका है कि डायबिटीज़ के ऊपर आप कुछ बोलिए या डायबिटीज़ के बारे में कुछ वीडियो बनाइए। तो आज एक रैंडम वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि डायबिटीज़ इज क्यूरेबल इन होम्योपैथी और नॉट। दोस्तों, आप लोगों ने डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत कुछ पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ का कारण या डायबिटीज़ क्या खाओ नहीं खाओ, क्या करने से कम हो जाएगा नहीं होगा, ये मेरा कॉन्सर्न नहीं है। मेरा जो कॉन्सर्न है कि डायबिटीज़ क्यूरेबल और नॉट। तो दोस्तों, पहले तो आप लोग एक समझ लीजिए कि डायबिटीज़ इज ए क्रॉनिक डिजीज़ एंड ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ को अगर आप एक हाई शुगर का जो प्रॉब्लम है इसको आप एक अवस्था मान के चले तो ये एक सिचुएशन है, इट इज़ नॉट ए डिजीज़। अगर आप डायबिटीज़ को डिजीज़ मानते हैं तो ये अलग, आप इसको रोग के स्तर में लेके जाते हैं। अगर इसको आप एक अवस्था मान के चले, एक सिचुएशन मान के चले, तो आपको इसको कंट्रोल करने में बहुत इजी हो जाएगा। जैसे शुगर तो सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, जो पेशेंट है उसका भी है, जो पेशेंट नहीं है उसका भी है। तो अगर खाली पेट में जो ब्लड शुगर फास्टिंग हो जाए उसके बारे में हम लोग बात करें तो वो नॉर्मल है कि 110 से पर मिलीग्राम ऑफ डेसीलीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड आपको रखना है। तो जिसका नॉर्मल आया तो उसका 90 या 100 आया, और जिसका फास्टिंग बढ़ा हुआ है 140 या 150 है या 170 है, वो डायबिटिक हो गया। कॉमनली अगर उसको हम लोग पेशेंट मान ले तो अगर उसको अलग कर दे, उसके दिमाग में हर टाइम में चलता रहे कि मैं पेशेंट हूँ, इसको छोड़ के मेरा जो ट्रीटमेंट अप्रोच है, मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप ये सोच के चलिए कि डायबिटिक जो आप है ये एक सिचुएशन है, इससे आपको निकलना है। क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे ये, तब आप कभी भी इससे निकल नहीं सकेंगे। इसके बाद आ गया होम्योपैथी ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों, आजकल क्या है, YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियो आ चुके हैं जो डायबिटिक का होम्योपैथी का मैजिक दवाई, जिमनीमा सिल्वास्ट्री, सीजीएम जेम्बोलिनम, यूरेनियम नाइट्रिकम या कोई जर्मन कंपनी का कोई प्रिटेंट दवाई दिखा के आपको बोल रहा है कि ये खाइए और ये दवाई एक साथ में खाइए, आपका शुगर कम हो जाएगा। मेरा बात मानिए दोस्तों, मेरा 17 साल का जो एज ए स्टूडेंट एंड डॉक्टर होम्योपैथी का करियर है, हम लोगों ने लाखों पेशेंट ऐसे देखे हैं कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक दवाई सुन के या कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आपको फायदा तो हो सकता है, शुगर घट तो सकता है कुछ हद तक, लेकिन इससे आपका डायबिटीज की ओर नहीं होगा। फ्यूचर में जो आपको शुगर जल्द ही 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल बाद बढ़ जाएगा, तब आप स्विच ओवर करके होम्योपैथी से एलोपैथी में चले जाएंगे और बदनाम हम लोगों का होगा कि होम्योपैथी में डायबिटीज ठीक नहीं है, होम्योपैथी डॉक्टर का ये दवाई खाता रहा तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये सब। तो दोस्तों, व्हाट इज कॉम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इन होम्योपैथी, होम्योपैथी में डायबिटीज का कॉम्प्लीट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है वो है, आपका जो डॉक्टर होगा होम्योपैथी कंसल्टेंट, वो आपका पूरा हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, जिसको होम्योपैथी के टर्म में हम लोग बोलते हैं केस हिस्ट्री, वो बनाएगा, जिसमें आपका प्रेजेंट जो सिम्टम्स है, प्रेजेंट जो शरीर में आपका प्रॉब्लम है, वो पास्ट हिस्ट्री, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, आपका कोई भी मेंटल एंड फिजिकल अदर सिम्टम, अदर मेडिसिन, पूरा केस हिस्ट्री बना के आपको टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, मतलब एट प्रेजेंट पूरा हिस्ट्री लेने के बाद आपका जो सिम्टम्स आए उसके ऊपर हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, ये मेडिसिन आपको देना पड़ेगा। और आपको ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू ए क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन आपको लगातार लेना पड़ेगा, उससे ही आपको शुगर घट जाएगा। और इसके साथ आपको देना पड़ेगा एक टाइट डाइट एंड रेजिमेन। डाइट एंड रेजिमेन जो होता है, डाइट तो आप लोग सुने, रेजिमेन मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस, इसको आपको फॉलो करके आपको चलने के बाद आपको विद इन फ्यू मंथ्स डायबिटीज पूरा क्योर हो जाता है। लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक दवाई का नाम मैं आपको
क्या सल्फार या लाइकोपोडियम या कोई भी सेफालेंडाइंड्रिका सीजीएम जेम्बोलेनम, ऐसा जो सब होम्योपैथी का आप लोग जानते हैं, यूट्यूब में देखते रहते हैं कि ऐसा होम्योपैथी का मेडिसिन है डायबिटीज के लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन, कुछ भी मेडिसिन आ सकता है, ये क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन ही कर सकता है। तो दोस्तों आज का जो रैंडम वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, इसमें मैं आप लोगों को यही बोलने का बार बार कोशिश करूंगा कि एक तो है प्योर होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप लोगों को लेना है, और एक बात है जिसमें आप लोगों को डाइट एंड रेजिमी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको फॉलो करना है। इसके बारे में होम्योपैथी के जो फाउंडर है हैनीमैन, वो भी अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बोल के गए हैं कि पेशेंट शुड बी ट्रीटेड नॉट अलोंग विथ मेडिसिन बट डाइट एंड रेजिमिन शुड बी मॉनिटर। और अगर आप जो कुछ पेशेंट्स हैं ऐसे डरते हैं डाइट, बाबा ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ये समय ये खाओ वो समय ये खाओ, इसके लिए आपका जो फिजिशियन है जो आपका डाइट चार्ट बनाएगा उसको उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करके आपको इजीली अफोर्डेबल एंड इजीली आपका मैनेजेबल डाइट प्लान होगा, लाइफस्टाइल चेंजेस होगा। तो दोस्तों मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं, हर रोज मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जिसका शुगर घट रहा है, और जब हम लोग ये टोटल ट्रीटमेंट उनको देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अलोंग विथ डाइट एंड रेजिमिन, तब जाके उसका डायबिटीज खाली ठीक ही नहीं हो जाता है, क्योर भी हो जाता है। और दूसरा जो होता है कि किसी का उसके साथ थायराइड का मेडिसिन चल रहा है एलोपैथिक, किसी का कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन चल रहा है, किसी का हार्ट का मेडिसिन चल रहा है, वो भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपको कुछ ये पेशेंट का आपका पड़ोसी का कुछ आपके सेम एज का या दोस्त का उनका जो डाइट एंड रेजिमिन है उनका जो मेडिसिन है आप फॉलो कर ले, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में हर पेशेंट जो एक हम लोग ट्रीट करते हैं एक नया केस है। तो हम लोग के होम्योपैथी के एक फेमस डॉक्टर है डॉक्टर जेम्स टेलर केंट, आफ्टर हैनीमैन हम लोग अमेरिकन होम्योपैथी के उनको फादर बोलते हैं और मॉडर्न होम्योपैथी का भी फादर बोला जाता है। तो वो एक बात बोल के गए थे कि एवरी केस यू टेक यू एंटर ए न्यू वर्ल्ड। तो हर आदमी का सोच, मेंटल और फिजिकल जो मेकअप, मानसिक स्थिति और जो डेली रूटीन होता है ये अलग होता है, इसके लिए मेडिसिन भी अलग होता होगा और डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस भी शुड बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू हर और हिज नीड। तो इसके लिए कंप्लीट अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं होम्योपैथी में, ये छोटे जो वीडियोज बनते हैं, ये चमकदार जो वीडियो बनते हैं कि 72 आवर्स में आप डायबिटीज को खत्म कर ले, ये खाइए तो डायबिटीज खत्म हो जाएगा, ये मेडिसिन ले लीजिए तो होम्योपैथी, कोई भी मैजिक आप एक्सपेक्ट कभी भी मत कीजिए। आप किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं और मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर नीचे मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरा फेसबुक जो होम्योपैथी लवर्स बोल के एक पेज है उसमें भी आप मेरा क्वेरी कर सकते हैं नंबर के लिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल में भी आप क्वेरी डाल सकते हैं कमेंट्स में, तो मेरा टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इजीली मैनेजेबल एवं 100% इतने केसेस है मेरे पास डायबिटीज के, तो उतना केसेस मैं आपको ये एक बार में दे भी नहीं सकूंगा। मैं कोशिश करूंगा टाइम निकल के बीच बीच में आप लोगों के साथ यूट्यूब वीडियो में शेयर करने का डायबिटीज के बारे में, हर कोई चीज़ नया नया जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको बताने का। थैंक यू और स्टे ब्लेस्ड।